नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, अगर आप बहुत ही आसान तरीके से डक यानी बतख का चित्र बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज हम आपको 2 नंबर की हेल्प से डक का चित्र बनाना सिखाएंगे। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिएगा और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर आपको पहले एक 2 नंबर लिखना होगा। कैसे लिखना है इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह आपको एक 2 नंबर लिखना होगा, हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, फिर इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर 2 नंबर लिख दीजिएगा। 2 नंबर लिखने के बाद जस्ट इसी के आगे ही आपको एक छोटा सा 2 नंबर और लिखना होगा। इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ करिएगा, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ से आप ऐसे ले जाइएगा, अंदर की तरफ करिए और यहाँ पर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह आप 2 नंबर लिख देंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करना होगा। इसको ऊपर की तरफ करिएगा, फिर इधर से अंदर की तरफ कर देंगे तो आप यहाँ पर एक वी लेटर भी लिख सकते हैं। वी लेटर लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ से आपको इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाना होगा, फिर अंदर की तरफ करिएगा, इधर से आप ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। अंदर की तरफ करने के बाद जस्ट यहाँ से इस 2 के बीच से आपको एक लाइन ड्रॉ करना होगा। एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटा सा आप पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद आपको दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे सर्किल बनाना होगा। यहाँ तक जब आप सर्किल बना लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको आपको अंदर की तरफ यहाँ से इस 2 नंबर को आगे की तरफ बढ़ाना होगा। बढ़ाने के बाद यहाँ से इधर ऐसे बीच वाले सिरे को मिलाइएगा, नीचे की तरफ ले जाइएगा और इसको डबल करते हुए इस 2 नंबर के लास्ट वाले सिरे के साथ मिला देंगे। अब आपको यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ करना होगा, इधर से नीचे की तरफ ले जाइएगा, डबल करना, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से ऐसे करिएगा और इधर ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा और यहाँ तक ऐसे छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद दोस्तों, नीचे के साइड में एक लाइन ड्रॉ करिए, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका लेग बनाना, देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको इसको आगे की तरफ बढ़ाना होगा, इधर से आप ऐसे डबल कर दीजिए। डबल करने के बाद एक बार आपको ऐसे फिर से रिपीट करना होगा, इधर से छोटी सी लाइन ड्रॉ करिएगा, अंदर की तरफ ले जाएंगे, फिर यहाँ से हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए इसको भी आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर डबल कर दीजिएगा। इधर से हल्का सा सर्किल यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। सेम आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा, इधर आप ऐसे डबल करिएगा, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर छोटी सी लाइन, इधर से हम अंदर की तरफ करते हैं और ये वाला सिरा यहाँ पर ऐसे डबल कर दीजिएगा। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको इसको आगे की तरफ बढ़ाना होगा, इधर आप ऐसे छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर दीजिएगा हल्का सा ऊपर की तरफ करते हुए। जब आप ऊपर की तरफ लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा। इधर से छोटी सी लाइन, यहाँ पर आप ऐसे लाइनों को ड्रॉ करते जाइएगा और इसको लास्ट में लाकर हम मिला देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से डक का चित्र बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसको कलर करना चाहते हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए, इधर ऊपर की तरफ करिएगा और ये हो जाएगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।